स्टार्ट करें? आज एक मल्टीपर्पज ब्रेकफास्ट मिक्स बना रही हूँ मैं, वो भी हम बनाएंगे सूजी से। ये ऐसा ब्रेकफास्ट प्री मिक्स हम बना रहे हैं जिसमें से आप ढेर सारी चीज़ें बस मिनटों में ही बना सकते हैं, चाहे वो अप्पे बनाना हो या तो फिर उत्तपा बनाना हो, इडली बनाना हो या उपमा बनाना हो, कोई भी चीज़ आसानी से आप बस मिनटों में बना सकते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना सूजी का इंस्टेंट वाला प्री मिक्स। ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैं 2 टेबलस्पून जितना तेल ऐड करूंगी। ऑयल में मैं ऐड कर देती हूँ 2 टीस्पून राई एंड 2 टीस्पून जीरा। चुटकी पर हींग ऐड करेंगे, ये ऑप्शनल है। 2 टीस्पून चने की दाल एंड 2 टीस्पून उड़द की दाल। अब ये दालों को हमें मीडियम फ्लेम पे भूनना है जब तक कि एक माइल्ड गुलाबी कलर आ जाए, क्योंकि हम ये प्रीमिक्स बना रहे हैं तो हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि कोई मॉइस्चर ना रहे। अभी आप देखेंगे कि दाल हल्की हल्की सी गुलाबी कलर की हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये अदरक। ये अदरक भी ऑप्शनल है, अदरक अगर आप ऐड कर रहे हैं तो इसको हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे। और कुछ हरी वाली मिर्च, 6 से 7 काजू के टुकड़े, 2 साबुत वाली मिर्च एंड कुछ कड़ी पत्ते। अब मीडियम फ्लेम पे ये सारी चीज़ें पकाते हुए 5 मिनट हो चुकी है। आप जब कड़ी पत्ता और काजू देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी है, क्योंकि कड़ी पत्ता भी ये फ्राई होके डार्क ग्रीन कलर का बन जाएगा। एक कड़ी पत्ता निकाल के आप देखेंगे ना तो ये देखिए बहुत अच्छे से क्रश हो जाता है। दैट मीन्स के सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी है, मॉइस्चर भी उड़ चुका है। तो अब जाके हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये मेरे पास 2 कप सूजी है, ये कच्ची वाली सूजी है, ये हम ऐड कर देंगे। और अब सूजी ऐड करने के बाद मीडियम फ्लेम पे ही हम सूजी को हम रोस्ट कर लेंगे। सूजी को रोस्ट होते होते 5 मिनट हो चुकी है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक। ये सूजी हल्की हल्की सी रोस्ट भी हो चुकी है, बस यही टाइम के हीट को टर्न ऑफ कर देंगे हम। और ये आपका ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स तो रेडी है सूजी का। अभी ये सूजी का ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स तो रेडी है। आप जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए तो एक अच्छी सी एयरटाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में आराम से 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। और जब भी कुछ भी बनाना है तो आप बस मिक्स को निकालना है और जो भी आप बना रहे हैं उस हिसाब से रेसिपी आपको कंटिन्यू करनी है। तो ये प्री मिक्स में से आज मैं आपको 3 चीज़ें बना के बताती हूँ। एक है अप्पे, दूसरा है उत्तपा और तीसरी है इडली। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 कप प्रीमिक्स निकाल दिया है, उसमें मैं ऐड कर देती हूँ 1 कप दही और ऐड करूँगी थोड़ा सा 2 चम्मच जितना पानी। अब हम ये प्रीमिक्स को मिक्स कर लेंगे। और अब ये देखिए, हम छोड़ देंगे ये सूजी को थोड़ी देर भीगने के लिए, अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के लिए। सूजी तो बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है पर अभी भी मुझे काफ़ी गाढ़ा लग रहा है ये मिक्सचर। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी और मैं ये एक ही बैटर बना रही हूँ और उसमें से ही 3 चीज़ें बनाऊंगी। अब ये बैटर में मैं ऐड कर देती हूँ ये मीडियम साइज़ का 1 बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से बीन्स, आप कैप्सिकम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बारीक कटे हुए गाजर और ऐड कर देते हैं कुछ बारीक कटा हुआ धनिया। सब्ज़ी डालना बिल्कुल ही ऑप्शनल है, बिना सब्ज़ी ऐड करे भी आप बना सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम बैटर में मिक्स कर देते हैं और सिंस हमने बहुत सारी सब्ज़ी ऐड की है मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। और अब लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ फ्रूट सॉल्ट, ये मैंने 1 पैकेट फ्रूट सॉल्ट लिया है। अब ये बैटर में से इडली बनाने के लिए मैंने इडली स्टैंड लिया है और ये इसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। और अब हम रख देते हैं ये इडली स्टैंड को स्टीम करने के लिए। अब बनाते हैं उत्तपम।
और अब बनाते हैं अप्पे। तो लीजिए, तैयार है सूजी से बनाया हुआ ब्रेकफास्ट प्री मिक्स और उसमें से बनाए हुए तीन डिफरेंट डिफरेंट तरीके के ब्रेकफास्ट। मेरे फ्रिज में ना ये प्री मिक्स मैं हमेशा बना के रखती हूँ, जब सुपर बिजी डेज होते हैं ना, ये ब्लेसिंग है, मस्ट ट्राई।